शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सितारे की कसम जब गायब होने लगे कि तुम्हारे रफीक यानी हमारे नबी न रास्ता भूले हैं न भटके हैं और न ये ख्वाहिश नफ्स से कुछ बोलते हैं। ये कुरान तो एक वही है जो इनकी तरफ भेजी जाती है, इनको निहायत कुव्वत वाले ने सिखाया यानी जिब्राइल ने जो ताकतवर हैं। फिर वो पूरी तरह बैठे जबकि वो आसमान के ऊंचे किनारे पर थे, फिर वो करीब हुए, फिर मजीद नीचे आ गए तो वो दो कमान के फासले पर हो गए या इससे भी कम। फिर अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ जो हुक्म भेजा सो भेजा, जो कुछ उन्होंने देखा उनके दिल ने उसको झूठ न जाना। क्या जो कुछ वो देखते हैं तुम उसमें उनसे झगड़ते हो? और उन्होंने उसको यानी जिब्राइल को एक और बार भी उतरते देखा है सिदरतुल मुंतहा के पास। उसी के पास हमेशा रहने की बहिश्त है जबकि उस बेरी पर छा रहा था जो छा रहा था। उनकी आंख न तो और तरफ माइल हुई और न हद से आगे बढ़ी। उन्होंने अपने परवरदिगार की कुदरत की बहुत ही बड़ी बड़ी निशानियां देखी। भला तुम लोगों ने लात और उज्जा को देखा और तीसरी मूर्ति यानी मनात को? मुशरिको, क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हों और अल्लाह के लिए बेटियां? ये तो बहुत ही बेइंसाफी की तकसीम हुई। वो तो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, अल्लाह ने तो उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। ये लोग महज ख्याल और गुमान और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चल रहे हैं, हालांकि इनके परवरदिगार की तरफ से इनके पास हिदायत आ चुकी है। क्या जिस चीज की इंसान आरजू करता है वो उसे जरूर मिलती है? सो आखिरत और दुनिया तो अल्लाह ही के हाथ में है और आसमानों में बहुत से फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी फायदा नहीं देती मगर उस वक्त कि अल्लाह जिसके लिए चाहे इजाजत बख्शे और सिफारिश पसंद भी करे। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो फरिश्तों को लड़कियों के नाम से मौसूम करते हैं हालांकि उनको इसकी कुछ खबर नहीं। वो सिर्फ ख्याल और गुमान पर चलते हैं जबकि ख्याल और गुमान हक के मुकाबले में कुछ काम नहीं आता। तो जो हमारी याद से रूगर्दानी करे और सिर्फ दुनिया ही की जिंदगी का खाहां हो उससे तुम भी मुंह फेर लो। उनके इल्म की यही इंतहा है। तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रस्ते से भटक गया और उससे भी खूब वाकिफ है जो रस्ते पर चला। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है और उसने खलकत को इसलिए पैदा किया है कि जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको उनके आमाल का बदला दे और जिन्होंने नेकियां की उनको नेक बदला दे। जो सगीरा गुनाहों के सिवा बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से इज्तनाब करते हैं बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ी बख्शिश वाला है। वो तुमको खूब जानता है। जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेट में बच्चे थे तो अपने आप को पाक साफ ना जताओ। जो परहेजगार है वो उससे खूब वाकिफ है। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने मुंह फेर लिया और थोड़ा सा दिया फिर हाथ रोक लिया? क्या उसके पास गैब का इल्म है कि वो उसे देख रहा है? क्या जो बातें मूसा के सहीफों में है उनकी उसको खबर नहीं पहुंची? और इब्राहिम के सहीफों की जिन्होंने हक के तात और रिसालत पूरा किया वो ये कि कोई शख्स दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है और ये कि उसकी मेहनत का जायजा लिया जाएगा फिर उसको उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और ये कि तुम्हारे परवरदिगार ही के पास पहुंचना है और ये कि वो हंसाता और रुलाता है और ये कि वही मारता और जिलाता है और ये कि वही दोनों जोड़े यानी नर और मादा पैदा करता है यानी नुतफे से जो रहम में डाला जाता है और ये कि कयामत को दोबारा उठाना उसी का जिम्मा है और ये कि वही दौलतमंद बनाता और वही मुफलिस करता है और ये कि वही शेरा नामी तारे का भी मालिक है और ये कि उसी ने आद अव्वल को हलाक कर डाला और समूद को भी, गरज किसी को बाकी ना छोड़ा और उनसे पहले कौम नूह को भी। कुछ शक नहीं कि वो लोग बड़े ही जालिम और बड़े ही सरकश थे और उसी ने उल्टी हुई बस्तियों को दे पटका फिर उन पर जो चीज छा गई सो छा गई। तो ऐ इंसान तू अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत पर झगड़ेगा? ये पैगंबर भी पहले के खबरदार करने वालों में से एक खबरदार करने वाले हैं। आने वाली यानी कयामत करीब आ पहुंची, उस दिन की तकलीफों को अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकेगा। ऐ काफिरो, क्या तुम इस कलाम पर ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं और तुम गफलत में पड़े हो? तो अल्लाह के आगे सजदा करो और उसी की इबादत करो।